हेलो गाइस, माय नेम इज अब वेलकम बैक टू माय चैनल सीएमडी टाट। आज मैं टेस्टिंग एंड अनबॉक्सिंग करूंगा एक 3D पजल बोट का। वीडियो शुरू करने से पहले, आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। मेरे हाथ में एक 3D पजल है। इसको मैं लोकल मार्केट से खरीद के लाया था। इसका प्राइस पड़ा है 200। तो चलिए देखते हैं इसके पैकेजिंग में क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर 3D पजल लिखा हुआ है। यहाँ पे प्ले नेवी DDG 170 लैंजाउ लिखा हुआ है। यहाँ पे पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर में लैंप हाउस है और साथ में ही यहाँ पर एक शिप दिखाई है। यह बोट 4 सीट वाली है और 40 पीस है। यहाँ पे वार्निंग दिया गया है कि यह टायर 3 साल से बड़ों बच्चों के लिए है। यह टायर चाइना में बना हुआ है। ये देखते हैं इसके पीछे में क्या क्या है। इसके पीछे में शिप के कुछ पार्ट्स है। इसको हम जोड़ जोड़ के शिप को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको ओपन करके। ये इसका कवर है जिसको हम देख देख के एक शिप बना सकते हैं। यह शिप का पार्ट है जिससे हम शिप बना सकते हैं। यह एक और शीट में है। चलिए मैं इन पार्ट्स को अलग अलग निकाल लेता हूँ। मैंने इसके पार्ट्स को निकाल लिए हैं, तो चलिए मैं इसको असेंबल करता हूँ। जैसे नंबर है वैसे ही यह 21 है, तो ये भी 21 है, तो हम इसको जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। तो यह भी जुड़ जुड़ के बनती जाएगी। नंबर से नंबर जोड़कर इस शिप को मैंने आधी बना दी। बहुत मेहनत के बाद मैंने इसको असेंबल कर लिया। बहु ये बिल्कुल नेवी की शिप की तरह दिख रही है। ये था आज का टेस्टी एंड अनबॉक्सिंग वीडियो। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।